हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल अदितीज़ किचन में। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए व्रत में खाने वाले साबुनदाना के वड़े। ये साबुनदाने के वड़े बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी होते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको साबुनदाना बनाने की खास ट्रिक, जो ना ही फटेंगे साबुनदाने वड़े और ना ही ज़्यादा उसमें तेल सोखेगा और ऊपर से क्रिस्पी कुरकुरारे भी बनकर रेडी हो जाते हैं। तो चलिए आपको हम इसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करते हैं। और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साबुनदाना वड़े की रेसिपी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 आलू मीडियम साइज़ की, और एक छोटा बाउल मैंने यहाँ पे लिया है मूंगफली और मखाने का पाउडर, जिसको मैंने रोस्ट करके बारीक पीस लिया है। और ये लिया है मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अगर आप धनिया खाते हो तभी डालें। और ये मैंने काली मिर्च ली है पीसी, घर में पीसी है ऐसे मैंने। और ये सेंधा नमक लिया है, क्योंकि मैं व्रत के लिए बना रही हूँ तो इसमें सेंधा नमक यूज़ करेंगे। 2 हरी मिर्च लिया है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और 1 बाउल मैंने यहाँ पे साबुत दाना लिया है। साबुत दानों को मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। साबुत दाना का पानी निकाल दिया है और देखिए इस तरीके से साबुत दाना फुला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर इसे भिगो के नहीं रखना है। तो अब लेंगे हम 1 कांच का बाउल, थोड़ा सा बड़ा, और इसमें डाल देंगे साबुत दाना, और इसी में डाल देंगे हम मखाना और मूँगफली का पाउडर, इसे हम पहले ही डालेंगे साबुत दाना के साथ में। और हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, और काली मिर्च डाल देंगे जो पाउडर है, और सेंधा नमक डाल देंगे। अगर आप सेंधा नमक व्रत में खाते हो तभी आप यूज़ करें, अदरवाइज इसे स्किप कर दें। और डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो मैंने यहाँ पे मूंगफली और मखाने का पाउडर डाला है उसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो साबुनदाना में थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब डालेंगे इसमें आलू। आलू को इस तरीके से हम क्रश करके फोड़ के डाल लेंगे, आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं आलू को। मैं यहाँ पे इस तरीके से ही फोड़ के डाल रही हूँ आलू को। तो मैंने आलू को फोड़ के डाल दिया है। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, जैसे डो बनाते हैं उसी तरीके से इसका हमें भी डो बनाना है। पानी का यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि साबुनदाने में इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि इसका डो अच्छे से बन जाता है, इसलिए हमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए इसका अच्छा सा डो बन गया है। और अब भी ले लेंगे 1 प्लेट, और थोड़ा सा ले लेंगे घी। घी मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है कि हाथ में हल्का सा से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर हाथों में हल्का सा घी ग्रीस कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स लेंगे इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा से लेंगे, और इसको इस तरीके से गोल गोल का शेप देंगे, और फिर दूसरे हाथ से इसका वड़े की तरह इसका शेप कर देंगे। तो इसको हाथ से हल्का सा प्रेस करना है और ये वड़े का शेप बन जाएगा। तो देखिए इसकी ना जो साइड की किनारी हैं वो क्रैक्स नहीं होनी चाहिए, वरना इसमें ऑयल भर जाएगा। और इस साबुनदाने वड़े में बीच में एक छेद कर देंगे। छेद करने का रीज़न ये है कि जब वड़ा हम पकाएंगे ना तो बीच से भी अच्छे से ये क्रिस्पी पक जाएगा, इसलिए इसमें हमने बीच में छेद कर दिया है। और इसी तरीके से हम सारे वड़े बना लेंगे। साबुनदाना वड़ा बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम वड़े बनाएँ तो वड़े की किनारी फटनी नहीं चाहिए। अगर वड़े की किनारी फट गई तो जो ऑयल होता है ना, तो वड़े अंदर ऑयल को ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये वड़े ना ऑयली ऑयली हो जाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, वड़े किनारे से फटने नहीं चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से सारे वड़े बना लिए हैं। तो आप रखेंगे एक फ्राई पैन, और इसमें डालेंगे हम घी। तो मैं यहाँ पर व्रत के लिए वड़े बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हो तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे साबुनदाने वड़े। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि तेल हो या घी अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी इसमें वड़े डालें, वरना ये
वड़ी का तेल को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर तेल अच्छे से गर्म होगा तो ये वड़े तेल ऑब्जॉर्ब नहीं करेंगे। वन साइड में वड़े हो गए हैं तो उनसे हम पलट देंगे एक एक करके इस तरीके से। और अब थोड़ा सा हम इसे गैस फ्लेम हल्का कर देंगे, यानी मीडियम पे कर देंगे। पहले तो आप जब वड़े डालें तो गैस फ्लेम का हाई फ्लेम ही रखें, जिससे वड़े चिपकते नहीं हैं और अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो वड़े वन साइड में देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ भी अच्छे से ये पक गए हुए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे सारे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा में घी होगा वो टिश्यू पेपर पे रह जाएगा, इसलिए इसे हम टिश्यू पेपर पे ही निकाल लेंगे। तो देखिए कितने क्रिस्पी से बने हुए हैं, एकदम कुरकुरे से हैं। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो मैंने यहाँ पे ले ली है प्लेट और इसे हम सर्व कर लेंगे। तो आप भी इसे बनाइए और व्रत में इंजॉय करिएगा। तो ये व्रत के लिए एक अलग सी रेसिपी हो जाती है और खाने का भी अलग सा थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है, इसलिए आप अपने व्रत की रेसिपी में इसे यूज़ करें और बनाएं। तो इस वड़े के साथ में कुछ और चटपटा होना चाहिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है धनिया और टमाटर की चटनी ली है। ये मैंने व्रत वाली चटनी बनाई है, इसमें सेंधा नमक और हरी मिर्च, हरी धनिया और टमाटर पड़ा है। तो चलिए इसे हम हरी चटनी के साथ में इंजॉय करते हैं। एक और ख़ास टिप्स, अगर आप अदरक खाते हो तो इस वड़े में अदरक ग्रेट करके डाल सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो अगर नहीं खाते हो। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू।